मैं तरुण वर्मा दिल्ली में क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ। इस वीडियो में मैं आपसे बात करूँगा एंजाइटी की दवाओं के बारे में। कौन कौन सी एंजाइटी की दवाएँ होती हैं जो कि साइकाइट्रिस्ट यूज़ करते हैं, जिसको कि प्रिस्क्राइब किया जाता है एंजाइटी को कम करने में, जिनमें से कुछ दवाओं का नींद लाने का भी काम होता है, और ये दवाएँ जो हैं ये कैसे काम करती हैं, इस बारे में मैं आपसे थोड़ा सा बात करूंगा और आपको एक महत्वपूर्ण जानकारी दूंगा, जिससे आप समझ सकते हैं कि एंजाइटी की दवाएं किस तरह से बहुत सेफ होती हैं और ये हमारे पर किस तरह से इफेक्ट लाती हैं। तो एंजाइटी की जो दवाएं होती हैं उनको कहा जाता है एंजियोलाइटिक ड्रग्स। एंजियोलाइटिक ड्रग्स मतलब जो एंजाइटी को काटने का काम करे, मतलब एंजाइटी को कम करने का काम करे। इन दवाओं को समझने से पहले, इनके नाम, इनके टाइप्स जानने से पहले, एक बहुत महत्वपूर्ण चीज जानने लायक है, वो ये कि ये जो एंजाइटी की जो दवाएं होती हैं ये ब्रेन की उत्तेजना को कम करती हैं। एंजाइटी में क्या होता है कि हमारा जो ब्रेन है उसके अंदर कुछ ऐसी नर्व एक्शंस होने लगती हैं, हमारा जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है जिसके अंदर हमारा जो ब्रेन है, ब्रेन के अंदर की नर्व्स जो होती हैं वो बहुत ज्यादा न्यूरॉन्स, नर्व्स जो होती हैं ओवर एक्साइटेड, ओवर एक्टिव हो जाती हैं। उनकी ओवर एक्साइटमेंट की वजह से, ओवर एक्टिविटी की वजह से हमारे को एंजाइटी के सिम्टम्स आते हैं। शरीर में, दिमाग में, मन में उत्तेजना महसूस होती है, शरीर में कई तरह के मसल रिएक्टिविटीज होती हैं, हमारा शरीर थक जाता है, बॉडीली सिम्टम्स शो करता है, और साथ ही साथ हम ओवर थिंक बहुत ज्यादा करते हैं, और इसी वजह से कहीं ना कहीं हमारी जो है नींद भी इफेक्ट हो जाती है। दिमाग जब बहुत ज्यादा ओवर एक्टिव रहेगा तो उससे नींद भी हमारी कम हो जाएगी, क्योंकि नींद के समय भी हमारा दिमाग दौड़ेगा, काम करता रहेगा, कुछ ना कुछ सोचता रहेगा, जिससे हमारी नींद गायब हो जाएगी और जिससे हम अक्सर नींद की कंप्लेंट्स करते हैं जब हमें एंजाइटी डिसऑर्डर्स होते हैं या जब किसी भी तरह का दूसरा डिसऑर्डर होता है जिसमें नींद इफेक्ट हो जाती है, जैसे कि डिप्रेशन में भी नींद इफेक्ट हो जाती है कई लोगों की, या जैसे जो बायपोलर डिसऑर्डर होते हैं उनके अंदर नींद इफेक्ट हो जाती है, उसके अंदर अक्सर माइंड बहुत ज्यादा उत्तेजित रहता है जिस वजह से नींद इफेक्ट हो जाती है। तो नींद को लाने का काम, एंग्जाइटी को कम करने का काम, बॉडी की एक्साइटमेंट और एनर्जी को कम करने का काम, ये एंग्जाइटी वाली या सिडेटिव हिप्नोटिक दवाएं काम करती हैं इस तरह से। तो मोटे तौर पे तो इनका यही काम होता है। अब ब्रेन के अंदर जो भी ऐसे केमिकल्स हैं जो हमारे ब्रेन को हाइपर एक्टिव बना देते हैं, मतलब ओवर एक्साइटेशन होने लगती है, डिसइनहिबिशन होने लगती है, उन केमिकल्स को रोकने का काम करती हैं एंजाइटी की दवाएं। मतलब कोई एक ऐसा केमिकल जो ब्रेन के अंदर कम या ज्यादा बनने की वजह से उसको ओवर एक्साइट कर रहा है, उस केमिकल की प्रोडक्शन या उस केमिकल के इफेक्ट को कम करेगी एंजाइटी की दवा। इस तरह से हमारा ब्रेन जो है वो रिलैक्स्ड हो जाता है, हम शरीर से, मन से, दिमाग से, विचारों से, भावनाओं से अपने को काम महसूस करते हैं, रिलैक्स्ड महसूस करते हैं। मस्कुलर लेवल पर भी, मसल्स में भी हम रिलैक्स्ड महसूस करते हैं। शरीर में जो थकान, तनाव और स्ट्रेस और बहुत ज्यादा जो दर्द, अकड़न, जकड़न महसूस होती थी वो भी कम हो जाती है, दर्द भी कम हो जाते हैं। हमारे को हेडेक हो रहा है, हाथ पैर में दर्द हो रहे हैं, दिल तेज तेज धड़क रहा है या कुछ इस तरह के सिम्टम्स हैं वो भी कम हो जाते हैं। तो ये सारा का सारा जो नर्वस सिस्टम की जो एक्टिविटी है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम की एक्टिविटी को कम करने का काम करेंगी, उनके केमिकल्स को या उनके रिसेप्टर्स को कम या ज्यादा करके, उसको इफेक्ट करके, बेसिकली रिसेप्टर्स को इफेक्ट करती है। कुछ रिलैक्स करने वाले जो हमारे ब्रेन के अंदर रिसेप्टर्स होते हैं उनको बढ़ा देती है, उनकी प्रोडक्शन को या उनके काम करने के गति को बढ़ा देती है, तो ये भी काम करती हैं ये। तो इसमें कौन कौन सी कैटेगरीज आती हैं, सबसे जो मेन, सबसे इंपॉर्टेंट होती हैं वो होती हैं बेंजोडायजेपाइन्स। बेंजोडायजेपाइन्स जो होती हैं वो हमारे को मेनली एंजाइटी कम करने का काम करती हैं। उनका जो सीधे तौर पे जो इफेक्ट होता है वो सिर्फ एंजाइटी को कम करने पर ज्यादा होता है, पर अगर थोड़ी सी एक्स्ट्रा मात्रा में अगर ये ले ली जाए, थोड़ा ज्यादा हाई डोज पे ले लिया जाए, जो कि अक्सर कई एंजाइटी पेशेंट्स में एंजाइटी सिम्टम्स को कंट्रोल करने के लिए दी जाती हैं, तो इनसे नींद भी आ सकती है, थोड़ा सा इनका हिप्नोटिक इफेक्ट आ जाता है। बहुत ज्यादा डोज में ये ज्यादा सुला भी सकती हैं हमारे को। इनसे अक्सर क्या होता है, हमारी जो ड्रीमिंग होती है वो कम हो जाती है, हमारे को स्लीप जो होती है वो इस तरह से हमारी इफेक्ट होती है कि हम अच्छा सो रहे हैं, काफी हद तक हम नेचुरल स्लीप लेने लगते हैं, और इसके अंदर हमारी ड्रीमिंग एक्टिविटी कम हो जाती है। लोग कहते हैं अब हमें सपने नहीं आते बुरे बुरे, या ज्यादा सपने नहीं आते, तो ये होता है। हालांकि इनको अगर लेना अगर अचानक से छोड़ दिया जाए तो सपने फिर से ज्यादा आ सकते हैं, नींद फिर से एकदम से इफेक्ट हो सकती है। बेंजोडाइजेपाइन्स जो होती हैं वो थोड़ी एडिक्टिव होती हैं, मतलब कि अगर बहुत लंबे टाइम तक लिया जाए, 2 या 3 हफ्ते से या 4 हफ्ते से ज्यादा लिया जाए, तो दवा के बिना नींद नहीं आती, दवा के बिना
नींद नहीं आएगी, मतलब दवा लेंगे तो ही नींद आएगी, दवा जिस दिन नहीं ली उस दिन लगेगा कि नींद नहीं आ रही, थकान हो रही है, माइंड बहुत स्ट्रेस्ड अप है। और साथ ही साथ वक्त के साथ जितना लंबा इसका ओवरडोज होता जाएगा, वक्त के साथ ये ज्यादा क्वांटिटी में भी लेनी पड़ेगी। पहले एक दवा से नींद आ जाती थी, अब दो या तीन दवाएं लेनी पड़ेंगी धीरे धीरे धीरे, इसलिए तभी नींद आएगी। तो अक्सर ये जो दवाएं होती हैं ये एंजाइटी के पेशेंट्स में तभी तक दी जाती हैं जब तक कि उनकी एंजाइटी कंट्रोल ना हो जाए, या वो नींद का कोई अपना एक नेचुरल लाइफस्टाइल जो है उनका वो ना मेंटेन कर लें। तो थोड़े टाइम तक ये दवा दी जाती है जिसमें कि उनकी एंजाइटी भी कम होगी और एंजाइटी कम होने के साथ साथ उनको नींद भी आ पाए। पर जिन लोगों के अंदर नींद की प्रॉब्लम ज़्यादा होती है उन लोगों को ये दवाएं कम दी जाती हैं या नहीं दी जाती हैं। उनको दी जाती हैं सिडेटिव्स या हिप्नोटिक्स, ज़्यादातर दिया जाता है हिप्नोटिक्स। हिप्नोटिक्स जो दवाएं होती हैं वो नींद लाने का स्पेसिफिकली काम करती हैं। इनका और कोई दूसरा इफेक्ट इतना ज़्यादा नहीं होता, बहुत ज़्यादा ये एंग्जाइटी को भी फ़र्क नहीं डालेंगी, और इसके अलावा ये और जो स्ट्रेस या इमोशनल इम्पैक्ट है इनका वो भी नहीं होगा। ये डायरेक्टली हमारे नींद के मैकेनिज्म पे, ब्रेन के अंदर जो नींद का मैकेनिज्म है, जो ब्रेन के पार्ट हैं जो हमारे को नींद लाने का काम करते हैं, ये उन पर इफेक्ट करती है। तो इनको लेने से क्या होता है, नेचुरल स्लीप आ जाती है, मतलब आदमी ऐसे ही सोता है जैसे कि वो नेचुरली उसको सोना चाहिए। हमारी जो ब्रेन के जो स्लीप साइकिल्स होती हैं वो भी इससे एडजस्ट हो जाती हैं, और जो स्लीप साइकिल है वो रेगुलर हो जाती है। तो पर्सन जो है वो जिस टाइम पर सोएगा और जिस टाइम पर उठेगा वो जो स्लीप वेक साइकिल है उसकी वो एडजस्ट हो जाती है। ये भी थोड़े टाइम के लिए ही ली जाती है, ज्यादा टाइम तक लिया जाए कोई बहुत बड़ा साइड इफेक्ट्स नहीं आएंगे, बट हाँ ये है कि ज्यादा टाइम लेने का फायदा नहीं है क्योंकि व्यक्ति फिर दवा पे डिपेंडेंट हो जाएगा और वो सोचेगा कि मुझे दवाई लेनी है तभी मैं सोऊंगा, अगर वो अपनी एंग्जाइटी या स्ट्रेस को ओवरकम नहीं कर रहा है। पर दिमाग में ये उतना ज्यादा एडिक्शन पैदा नहीं करती। इसके साथ जो दूसरे टाइप की जो दवाएं दी जाती हैं वो होती हैं सिडेटिव्स। सिडेटिव्स जो होती हैं वो अक्सर मेनिया में ज्यादा दी जाती हैं, जब बहुत ज्यादा हाइपर एक्टिविटी हो या जब बहुत ज्यादा एंग्जाइटी के साथ साथ उत्तेजना के, एक्साइटमेंट के सिम्टम्स आए, खासकर कि उन लोगों में जिनमें कुछ ऐसे पर्सनैलिटी ट्रेट्स होते हैं जैसे कि बॉर्डरलाइन पर्सनैलिटी, ऑब्सेसिव कंपल्सिव पर्सनैलिटी, जिनमें ज्यादा देर तक जागने की टेंडेंसी होती है, या जो अपने लाइफस्टाइल को इस तरह से डिस्टर्ब कर लेते हैं जैसे सोशल मीडिया पे ज्यादा रह के, या अपने काम की वजह से बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड करते हैं और अपनी नींद खराब कर देते हैं, उनको सिडेटिव्स पर ज्यादा रखा जाता है। मतलब सिडेटिव्स क्या करते हैं, ब्रेन की जो ओवर एक्साइटमेंट है उसको कम करती है, हमारे को काम रिलैक्स करने का काम करती है, हमारे अंदर एक तरह की हाइपर एक्टिविटी जो है कि हमें ज्यादा से ज्यादा काम करना है, शरीर में बहुत ज्यादा एनर्जी फील हो रही है जैसे कि मेनिक एपिसोड में, बायपोलर में होता है, इन कंडीशंस को कंट्रोल करने के लिए ज्यादा यूज की जाती है, जो दिमाग को, शरीर को, मन को, हमारी ओवर थिंकिंग को रिलैक्स करने का काम करती है। इनका एंग्जाइटी पर भी असर आता है, पर एंग्जाइटी से ज्यादा ये मेनिक एपिसोड में, मूड के ओवर एक्टिव एपिसोड्स में, बायपोलर या बॉर्डरलाइन जैसे स्टेट्स में ज्यादा यूज की जाती हैं, जहां पे व्यक्ति जो है वो इमोशनली इस हद तक डिस्टर्ब हो गया है कि अब वो अपनी इमोशंस को रोक नहीं पा रहा, कंट्रोल नहीं कर पा रहा। तो सिडेटिव्स जो है उनको थोड़ा हल्का काम रिलैक्स करने का काम करेंगी, पर ये नींद नहीं लाती, बहुत ज्यादा इनसे नींद नहीं आएगी, सिर्फ दिमाग थोड़ा सुस्त महसूस करेगा, रिलैक्स महसूस करेगा, ठहराव और स्टेबल महसूस करेगा। मूड की जो बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशंस होती हैं उनको भी ये कंट्रोल करने का काम करती हैं। पर अगर ये ज्यादा डोज में ले ली जाए तो जैसे बेंजोडाइजपाइन्स हैं उसी तरह से ये नींद लाने का भी काम करती हैं। तो सिडेटिव्स अगर ज्यादा डोज में ली जाएगी तो कुछ घंटों की ये नींद को इंड्यूस करेंगी, पर वो नींद जो है वो नेचुरल स्लीप नहीं लगेगी। क्यों? क्योंकि उससे कहीं ना कहीं हमें बहुत ज्यादा बेहोशी सी महसूस होगी, और जब उठेंगे तो हमें शायद बहुत फ्रेश भी महसूस नहीं होगा क्योंकि हमारी एनर्जी को बहुत खींच लेगी, ड्रेन कर देगी हमारी एनर्जी को। जबकि हिप्नोटिक्स जो है वो स्लीप के ऊपर इस तरह से अफेक्ट करती हैं कि उठने के बाद दिन भर की एक्टिविटी को नॉर्मली रिज्यूम किया जा सकता है। तो ये इन दोनों में एक बड़ा फर्क होता है। तो ये भी एंग्जाइटी के पेशेंट्स को दिया जाता है जिनका माइंड बहुत ज्यादा ओवर एक्टिव होता है। तो हिप्नोटिक्स, सिडेटिव्स या बेंजोडाइजपाइन्स ये अक्सर दी जाती हैं उन पेशेंट्स को जिनमें एंग्जाइटी है, माइंड ओवर एक्टिव है, सो नहीं पा रहा है और मन बहुत बेचैन है, बेताब सा रहता है, बेचैनी सी रहती है, ज्यादा सोच रहे हैं और घबराहट, चिंताएं बहुत ज्यादा हो रही हैं। तो ओवरऑल इफेक्ट ले आते हैं पेशेंट के ऊपर। एक चीज जो यहां ध्यान रखने की है कि ये जो मेडिसिन हैं अगर ये ज्यादा डोज में ली जाएंगी, जैसे सिडेटिव ज्यादा लेंगे तो उसका हिप्नोटिक इफेक्ट आएगा, हिप्नोटिक अगर ज्यादा डोज में लेंगे तो उनसे हमारे को एनेस्थेटिक इफेक्ट आएगा। हिप्नोटिक ऐसी दवाएं होती हैं जो डॉक्टर सर्जरी के टाइम पे अक्सर यूज करते हैं ताकि एक पेशेंट को अगर ज्यादा डोज में दे दी जाए
तो उसके अंदर एनेस्थेटिक इफेक्ट आएगा, मतलब अब उसको इस तरह से सुला सकते हैं कि उसके अंदर बॉडीली सेंसेशंस भी कम हो जाएंगी, उसके अंदर दर्द की जो सेंसेशंस है वो कम हो जाती हैं, पेशेंट के अंदर जो दर्द की जो सेंसेशंस है वो कम हो जाती है, मतलब अब पेशेंट को दर्द महसूस नहीं होता। तो ये काम हिप्नोटिक्स का होता है। तो मेडिकल प्रोसीजर्स में अक्सर हिप्नोटिक्स को यूज किया जाता है एनेस्थीसिया के तौर पे। नेक्स्ट एक कैटेगरी होती है मेडिसिन की, एंग्जाइटी की, जो पहले जमाने में बहुत ज्यादा यूज की जाती थी, जिन्हें कहते हैं बारबिट्यूरेट्स। बारबिट्यूरेट्स जो दवाओं की कैटेगरी होती है वो पुराने जमाने में ज्यादा यूज की जाती थी, और वो पर्सन को ना ही सिर्फ सुलाती थी जबकि उसके शरीर को भी बहुत ज्यादा शिथिल बना देती थी, मतलब उसको इनएक्टिव बना देती थी, एनेस्थीसिया का, कोमा का काम करती थी, मतलब कोमा इंड्यूस कर देती थी। 1950-60 के दशक तक ये दवाइयां बहुत ज्यादा यूज की जाती थी, करीब करीब ये 20th सेंचुरी का जो फर्स्ट हाफ था उसमें ये बहुत ज्यादा यूज में आती थी। तो ऑब्वियसली ये एनेस्थीसिया के तौर पे डॉक्टर्स भी यूज करते थे, एंग्जाइटी के लिए भी इन दवाओं को यूज कर लिया जाता था, पर ये दवाएं जब ज्यादा डोज में ली जाती हैं तो ये हार्ट की एक्टिविटी, लिवर किडनी की एक्टिविटी को रोक सकती हैं, जिस वजह से इंसान की मौत हो सकती है। तो इस वजह से WHO ने, यूनाइटेड नेशंस ने इसके यूज को रेगुलेट कर दिया, कम कर दिया, और इसको ओवर द काउंटर मेडिकेशन के तौर पे तो पूरी तरह से बंद कर दिया गया कई साल पहले, और साथ ही साथ इसकी जो मेडिकल यूज है उसको भी बहुत कंट्रोल्ड कंडीशंस में, बहुत लिमिटेड कंडीशंस में यूज करने की गाइडलाइंस डाल दी गई। पुराने जमाने में ये जो एक धारणा होती थी कि नींद की गोलियां ज्यादा खा लेने से लोग मर जाते थे, वो इन्हीं दवाओं की वजह से होता था। इन्हीं दवाओं की वजह से एक धारणा बनी थी कि नींद की गोली का ओवरडोज कर लोगे तो मर जाएगा इंसान, जबकि आजकल की जो दवाएं हैं, बेंजोडाइजेपाइन्स, सिडेटिव्स, हिप्नोटिक्स, जो नींद की गोलियां होती हैं, पेशेंट्स अक्सर सोचते हैं कि ओवरडोज कर लेंगे तो मर जाएंगे, उनसे मरा नहीं जाता, वो शरीर पर इस लेवल तक असर नहीं लाती कि इंसान की जो दिल दिमाग की जो हरकत है, उसकी जो एक्टिविटी है, वो पूरी तरह से बंद हो जाए, इंसान कोमा में चला जाए या किसी तरह से वो लाइफ थ्रेटनिंग हो जाए। तो बहुत सारे लोग हैं जो पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स हैं जिनको, जैसे कि बॉर्डरलाइन पर्सनैलिटी या कोई इमोशनल डिसरप्टिव टाइप डिसऑर्डर्स होते हैं, इमोशनल रेगुलेशन के डिसऑर्डर्स हैं, या कुछ लोगों में जिनमें बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी डिसऑर्डर्स होते हैं या डिप्रेशन होता है जिन लोगों में, उनको ऐसा लगता है कि डॉक्टर जो नींद की दवा दे रहा है अगर हम ज़्यादा खा लेंगे तो मर जाएंगे। होता कुछ नहीं है, बस वो 8 या 10 घंटे की बजाय 20 घंटे सो जाते हैं, जिसमें से बेंजोडाइजेपाइन्स तो फिर भी इतना ज्यादा नींद नहीं लाती, जो हिप्नोटिक दवाएं हैं वो आपको ज्यादा से ज्यादा 20-30 घंटे सुला देंगी। तो आप अगर आज शाम को दवा लेकर सोओगे और 10-20 दवाइयां खा लोगे तो ज्यादा से ज्यादा कल शाम तक या परसों सुबह तक उठ जाओगे। थोड़ा सा शरीर पर असर आएगा, थोड़ा सा उल्टी, नौजिया, वॉमिटिंग, स्टमक एक या कुछ सर दर्द, शरीर का दुखना, थकान महसूस होना, या थोड़ा सा आंखों में थोड़ा सा दर्द महसूस होना, जलन महसूस होना, ये सब चीजें महसूस होंगी, इससे ज्यादा आपको कोई असर नहीं आता। तो बहुत से लोग जो सुसाइडल अटेम्प्ट करते हैं दवाओं का ओवरडोज करने की वजह से, उनको ये बात ध्यान रखनी चाहिए कि ये जो अनहेल्दी तरीका है आपका सेल्फ हार्म करने का, खुद को नुकसान पहुंचाने का, ये ना ही सिर्फ इनएफेक्टिव है जबकि इससे ओवरडोज से ज्यादा ये होगा कि आपकी लिवर किडनी की कंडीशन थोड़ी डिस्टर्ब हो जाएगी, क्योंकि ये जो दवाएं हैं ये किडनी लिवर में जाकर असर डालती हैं, स्पेशली जो बेंजोडाइजेपाइन्स हैं वो लिवर में मेटाबोलाइट्स केमिकल्स बनाती हैं। ज्यादा ओवरडोज होगा तो थोड़ा सा लिवर पे इफेक्ट आ जाएगा जो लॉन्ग टर्म में जाके आपको बीमार कर देगा इससे ज्यादा, और बहुत सारे आपके मौत लाने के असर इनसे नहीं आएंगे। तो जो लोग ऐसा सोचते हैं कि दवा ओवरडोज करने से नींद की, एंग्जाइटी की वो मर सकते हैं, उनको इस इनएफेक्टिव और गलत स्ट्रेटेजी की तरफ नहीं जाना चाहिए, जबकि इसकी बजाय उनको एक बेटर तरीके से काउंसलिंग या ट्रीटमेंट लेकर अपने मूड की प्रॉब्लम्स को दूर करने पर फोकस करना चाहिए। सो जो बारबिट्यूरेट्स जो थे वो क्योंकि बहुत ज्यादा लोगों के लिए फैटल हो जाया करते थे, मिसयूज बहुत ज्यादा होता था, इस वजह से इनका यूज बंद कर दिया गया। तो ये बहुत माइल्ड डोजेस पर तो एंग्जाइटी को कम करने का काम करेंगी और थोड़ा सेडेटिव इफेक्ट लाएंगी, शांत करेंगी, रिलैक्स करेंगी, नींद लाएंगी। ज्यादा अगर इसको लेना यूज करेगा इंसान तो उससे उसके अंदर कोमा तक इंड्यूस हो सकता है, बहुत हाई डोज में ले लिया जाएगा तो इंसान मर सकता है। तो बारबिट्यूरेट ज्यादा यूज नहीं होती, ज्यादा क्या यूज ही नहीं होती है। एनेस्थेटिक इफेक्ट भी आते हैं इन मेडिसिन के, बट अगेन वो मेडिकल कंट्रोल्ड कंडीशन में ही उसका यूज किया जाता है उस केस में। इसके अलावा कुछ दूसरी मेडिकेशंस होती हैं जो एंजाइटी को कम करने का काम करती हैं, क्योंकि मेन तो हमारे को ब्रेन की एक्टिविटी कम करनी है, तो इसमें बड़ी सारी मेडिकेशंस होती हैं जो न्यूरोलॉजिकल मेडिसिंस होती हैं, जो दिमाग के अंदर उसको सुस्त करने का काम करती हैं, जो नर्व एक्टिविटी को स्लो कर देती हैं, जिसमें एक आती है एंटी कन्वुलजेंट मेडिकेशंस,
जिन लोगों को दौरे पड़ते हैं, जिनके ब्रेन के अंदर इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी बहुत बढ़ जाती है जिससे दौरा आ जाता है, तो वो बढ़ी हुई एक्टिविटी को कम करने के लिए एंटी कन्वुलजेंट मेडिकेशन यूज की जाती हैं। तो उसी तरीके से अगर उन दवाओं को एंजाइटी की तरह भी यूज किया जाए, या क्योंकि उनके एंजाइटी को कम करने के इफेक्ट होते हैं, तो वही दौरे कम करने की या दौरों को मेंटेन करने की जो दवाएं हैं वो भी एंजाइटी के ट्रीटमेंट में यूज की जाती हैं, और वो भी थोड़ा थोड़ा नींद लाने का इफेक्ट करती हैं। हालांकि नींद पर उनका बहुत असर नहीं आता, वो मेनली ब्रेन को थोड़ा स्लो डाउन करने का काम करती हैं। रिलैक्स करेंगी, एंजाइटी कम करेंगी, ओवर थिंकिंग कम हो जाएगी, और थोड़े वो जो फिजिकल सिम्टम्स हैं एंजाइटी के वो भी कम हो जाएंगे। तो एंटी कन्वुलजेंट मेडिकेशंस भी काफी कॉमनली पैनिक डिसऑर्डर्स में और कुछ दूसरे एंजाइटी डिसऑर्डर्स में, सोमेटोफॉर्म डिसऑर्डर्स में इनमें यूज की जाती हैं। एक और कैटेगरी आती है इन दवाओं की, एंजाइटी को कम करने की दवाएं, वो होती हैं एंटी हिस्टामाइन दवाइयां होती हैं। ये भी ब्रेन के अंदर रिलैक्स करने का काम करती हैं। ये जो दवाइयां जो मैं आपको सब बता रहा हूं, ये ब्रेन के अंदर कई तरह के केमिकल्स को इफेक्ट करती हैं। इसी के साथ एक दवा होती है बस्पिरोन, ये भी एंजाइटी को कम करने का काम करती है। तो ये कुछ कैटेगरी की दवाएं हैं जो मैंने आपसे डिस्कस की, जो एंजाइटी को कम करने का, माइंड को रिलैक्स करने का और नींद लाने का काम करती हैं। अब हम थोड़ा सा ब्रीफ में बात करेंगे कि ये दवाइयां असर कैसे लाती हैं, कौन से केमिकल्स को इफेक्ट करती हैं। बेंजोडाइजेपाइन जो दवाइयां हैं वो गाबा की एक्टिविटी को बढ़ा देती हैं। गाबा क्या होता है? एक केमिकल होता है, गामा एमाइनो ब्यूटायरिक एसिड। ये जो केमिकल है ये ब्रेन के अंदर हमारे को रिलैक्स करने का काम करता है। इसकी प्रोडक्शन कम हो जाएगी या इसकी एक्टिविटी स्लो डाउन हो जाएगी और उस वजह से एंजाइटी बढ़ जाएगी। तो जब ये केमिकल बढ़ जाएगा या इसके रिसेप्टर्स बढ़ जाएंगे जिस वजह से गाबा की एक्टिविटी दिमाग में बढ़ जाए, तो ये क्या करेगा, नर्व्स के ऊपर जाकर ये दवाइयां क्या करती हैं, उनकी ओवर एक्टिविटी को, ओवर एक्साइटेशन को रोक देती हैं, इनहिबिटरी इफेक्ट लाती हैं। तो ये गाबा की एक्टिविटी को रेगुलेट करने का काम करती हैं ज्यादातर एंजाइटी वाली मेडिकेशंस, जिसमें बेंजोडाइजेपाइन्स आ जाती हैं, इसमें एंटी कन्वुलजेंट दवाइयां आ जाती हैं, ये भी गाबा को बढ़ाने का काम करती हैं, इनकी एक्टिविटी बढ़ा देती हैं। कई तरह से हमारे ब्रेन के अंदर इनकी केमिस्ट्री चलती है, ये होता है। साथ ही साथ कुछ दवाइयां जैसे बस्पिरोन हो गया, ये क्या करती हैं, ये सेरोटोनिन डोपामाइन इनकी एक्टिविटी को बढ़ा देती हैं। तो इनकी एक्टिविटी बढ़ने से भी रिलैक्सिंग इफेक्ट आ जाता है। इसी के साथ साथ ये भी बताना चाहूंगा कि जो एंटी डिप्रेसेंट दवाइयां होती हैं, जो कि SSRIs वाली होती हैं और कुछ ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट्स होती हैं, ये भी रिलैक्स करने का काम करती हैं। ये भी ब्रेन को थोड़ा सा इस तरह से इफेक्ट करती हैं कि इनका एंजाइटी, एंटी एंजाइटी वाला इफेक्ट आए। तो जिसके अंदर SSRIs दवाइयां आती हैं ये भी काम करेंगी। इनका फायदा ये होता है कि ये एडिक्शन कॉज नहीं करती, मतलब इनके ऊपर डिपेंडेंसी नहीं होती। तो अगर हम एंटी डिप्रेसेंट दवाइयां ले रहे हैं और उससे भी हम रिलैक्स रहते हैं, नींद आ जाती है, स्लीप इंड्यूसिंग इफेक्ट्स भी होते हैं कुछ ऐसे SSRI दवाइयों के, तो ये हमारे को एडिक्टिव नहीं बनाती और ये हम लंबे टाइम तक यूज कर सकते हैं। बस फर्क ये होता है कि ये स्लो एक्टिंग ड्रग्स होते हैं, मतलब ये देर से इफेक्ट लाएंगे। अगर आपको अभी बहुत ज्यादा एंग्जाइटी की परेशानी आ रही है, नींद की परेशानी आ रही है, SSRI दवाइयां आप लोगे तो आपको कई दिनों तक तो नींद आएगी नहीं, एंग्जाइटी भी कम नहीं होगी, स्ट्रेस भी कम नहीं होगा। तो ये स्लो एक्टिंग होते हैं, काफी टाइम बाद जाके एक्ट करना शुरू करते हैं, जबकि एंजाइटी की जो बेंजोडाइजेपाइन दवाइयां हैं या सिडेटिव हिप्नोटिक हैं, ये जल्दी असर ले आती हैं, कुछ घंटों में आदमी को नींद आ जाएगी। तो इसलिए इनको हम ज्यादा तो रिकमेंड नहीं करते, नींद के तौर पे तो यूज नहीं कर सकते, पर इनका जो एंटी डिप्रेसेंट इफेक्ट है, खासकर उन लोगों को जिनको मूड डिस्टर्बेंस होती है, मूड फ्लक्चुएशंस या डिप्रेशन के शिकार होते हैं, जिनमें एंजाइटी के सिम्टम्स भी होते हैं, उनमें ये अच्छा इफेक्ट ले आती हैं। अब हम एक जरूरी बात करेंगे कि ये कौन कौन सी दवाइयां होती हैं जो इन अलग अलग कैटेगरीज में आती हैं। एक और चीज देखने की है यहां पर कि जो एंटी एंजाइटी वाली दवाएं हैं ये अल्कोहल या ड्रग के विड्रॉल सिम्टम्स को कम करने में भी हेल्प करती हैं। अल्कोहल लेने से जो कामिंग इफेक्ट आता है, रिलैक्सिंग इफेक्ट आता है, जब अल्कोहल नहीं लिया जाता तो उसकी वजह से शरीर मन बेचैन होने लगता है, शरीर में बहुत सारे विड्रॉल सिम्टम्स आते हैं, उनको कम करने में भी एंजाइटी वाली ये जो बेंजोडाइजेपाइन्स या हिप्नोटिक्स हैं ये यूज की जाती हैं, जिससे कि विड्रॉल सिम्टम्स को कंट्रोल किया जा सके। तो जो परेशानियां हैं, बीमारियां हैं जिनमें एंजाइटी की दवाएं यूज होती हैं, वो कौन सी होंगी? एक हो गया आपका GAD, जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर, पैनिक डिसऑर्डर, फोबियाज, स्पेशली आपका सोशल फोबिया, सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर, या किसी और तरीके के कुछ एंजाइटी वाली कंडीशंस हैं, डिसऑर्डर्स हैं या एंजाइटी सिम्टम्स आते हैं वो, कोई सिचुएशनल एंजाइटी होता है, किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में आएगा वहां पर इनको यूज किया जाता है,
स्लीपलेसनेस, इंसोमनियाज में यूज की जाती हैं। सीजर्स को कंट्रोल करने में भी ये एंटी कॉन्वुलजेंट वाली और एंटी एंग्जाइटी वाली मेडिसिन यूज की जाती हैं। तो ये सारी कंडीशन है जिनमें एंग्जाइटी की दवाओं का यूज होता है। साइड इफेक्ट्स क्या आते हैं इन दवाइयों से? अलग अलग लोगों में अलग अलग साइड इफेक्ट्स होंगे, डोज पर डिपेंड करेगा, कंडीशन पर डिपेंड करेगा, पुरानी मेडिकल कंडीशंस क्या हैं उन पर डिपेंड करेगा, दवाइयों के इंटरेक्शन पर डिपेंड करेगा, कौन सी ज्यादा दवाइयां ली जा रही हैं, किस किस टाइप की दवाइयां और पेशेंट ले रहा है, या साइकेट्रिक दवाइयां ही वो कितने टाइप की ले रहा है, उनके इंटरेक्शन पर, कई सारी चीजों पर डिपेंड करेगा। कुछ साइड इफेक्ट थोड़े टाइम तक रहेंगे, कुछ लंबे टाइम तक रहेंगे, कुछ थोड़ा सा ज्यादा इफेक्ट करेंगे, कुछ थोड़ा कम इफेक्ट करेंगे। अलग अलग तरह से इन साइड इफेक्ट्स को मैनेज भी किया जा सकता है। कुछ इनको लाइफस्टाइल चेंजेस से, खाने पीने से मैनेज किया जा सकता है, तो कई मामलों में दवाओं से इन साइड इफेक्ट्स को मैनेज किया जा सकता है। तो कौन कौन से साइड इफेक्ट्स होंगे? ऑब्वियसली एक तो इनसे क्या होगा, थकान बनेगी, ड्राउजीनेस आएगी, सुस्ती महसूस होगी, दिमाग में कंफ्यूजन महसूस होगी, थोड़ा कंसंट्रेशन रिलेटेड डिफिकल्टीज आनी शुरू होंगी। कुछ बेंजोडाइजेपाइन्स होती हैं जिनसे अगर हम देखें तो कुछ पुरानी चीजें याद नहीं रहती, अगर ओवरडोज हो जाए तो हम थोड़ा सा 2-3-4 दिन पहले क्या हुआ हम कई चीजें भूल जाते हैं, तो फॉरगेटफुलनेस हो सकता है इनसे। साथ ही साथ इनसे जो फिजिकल इफेक्ट्स आएंगे उसमें डायरिया, वॉमिटिंग, नोजिया, हार्ट बीट का बढ़ जाना और ब्लड प्रेशर बढ़ जाना, या कभी कभी ब्लड प्रेशर कम हो जाना, ये भी हो सकता है, क्योंकि सुस्ती आएगी तो बीपी और हमारा जो हार्ट बीट है वो, हार्ट रेट जो है वो कम हो जाएगा। लिवर किडनी की कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, क्योंकि इसका अगर ज्यादा एक्यूमुलेशन हो गया लिवर के अंदर तो वो एंजाइम्स की एक्टिविटी को थोड़ा सा चेंज कर सकता है, और ये तभी होगा जब ज्यादा डोज में लिया जाएगा, थोड़े डोज में इनका कोई इफेक्ट नहीं आता। आमतौर पर जो डॉक्टर्स देते हैं उनसे इतना इफेक्ट नहीं आता, ओवरडोज करने वाले लंबे टाइम तक जो दवा लेते हैं पेशेंट्स उनमें ये प्रॉब्लम्स आती हैं ज्यादा। ब्लर्ड विजन हो सकती है, आंखों में जलन महसूस हो सकती है, मुंह सूख सकता है, गला सूखेगा, कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, हेडेक हो सकता है, स्टमक एक्स हो सकते हैं किसी किसी में, वेट गेन हो सकता है कुछ मेडिसिन से, और साथ साथ कुछ पेशेंट्स के अंदर ऑकेजनली सुसाइडल थॉट्स भी आ जाती हैं, पर ये इतना कॉमन सिम्टम्स नहीं होते, ये नॉर्मली एंटी डिप्रेसेंट दवाओं के साथ ज्यादा देखने में आते हैं। मतलब जब एंटी डिप्रेसेंट दवाओं को जब एंग्जाइटी के लिए यूज किया जाता है तो कभी कभी क्या होता है ये बॉडी के अंदर बेचैनी, घबराहट को बढ़ा भी देती हैं, जिस वजह से थोड़ा डिस्ट्रेसिंग लगने लगता है। और ये भी देखा जाता है कि ऐसे सारे दवाइयां जो हैं वो शुरुआत में तो एंग्जाइटी को बढ़ा देती हैं, लंबे टाइम तक यूज करने के बाद एंग्जाइटी कम करती हैं। तो थोड़े से ऐसे कुछ सिम्टम्स अक्सर देखने में आते हैं, पर ये सारे के सारे साइड इफेक्ट्स जो मैंने बताए बड़े हैवी लग रहे होंगे, बहुत ज्यादा लग रहे होंगे, जो कि इतना ज्यादा कई पेशेंट्स में इफेक्ट नहीं करते, अगर मैनेज किए जाए तो किए जा सकते हैं। हाँ, कुछ पेशेंट्स जरूर इन साइड इफेक्ट से डर जाते हैं, कुछ पेशेंट्स के अंदर ये साइड इफेक्ट्स बढ़ भी सकते हैं, स्पेशली जब गलत तरीके से दवा का इस्तेमाल किया जाए, जैसा कि मैंने बीच में थोड़ा थोड़ा इंडिकेशन दिया कि कई बार एब्रप्टली अचानक से दवा छोड़ देने की वजह से भी ये सिम्टम्स आ सकते हैं। तो कभी कभी जब आप जैसे बेंजोडाइजेपाइन्स हैं कुछ, अगर आप ले रहे हो आपको नींद अच्छी आएगी, आपको एंग्जाइटी कम होगी, पर अगर आप अचानक से छोड़ दोगे तो कई बार बिल्कुल उल्टा असर पड़ सकता है, आपकी नींद बहुत डिस्टर्ब हो सकती है, एंग्जाइटी बढ़ सकती है एकदम से आपकी। तो अचानक से दवा छोड़ने के हमेशा गलत इफेक्ट्स आते ही हैं, इससे सिम्टम्स जो हैं फिजिकल वाले या तो जो पहले होते थे वो बढ़ जाते हैं या कुछ नए सिम्टम्स भी आ सकते हैं। तो इसलिए अचानक से अपने आप दवाइयां छोड़ना कभी भी हेल्पफुल नहीं होता। तो अब मैं कुछ दवाओं के आपको नाम बताऊंगा जो कि बेंजोडाइजेपाइन्स या जो एंग्जाइटी वाली मेडिकेशंस हैं उनमें यूज की जाती हैं। बेंजोडाइजेपाइन्स की कैटेगरीज में जो दवाएं होती हैं उनमें कुछ दवाएं एंग्जाइटी सिर्फ कम करेंगी, कुछ नींद भी लाएंगी, और साथ साथ कुछ दौरों को कम करने का भी काम करेंगी, मतलब कुछ एंटी कॉन्वुलजेंट कैटेगरी की दवाएं हैं इसमें। तो जो एंग्जाइटी को कम करने का काम करती हैं वो कौन सी होती हैं? लोरजेपाम, डायाजेपाम, ऑक्साजेपाम, एल्प्राजोलैम, क्लोरडायाजेपॉक्साइड, ये कुछ ऐसी दवाएं जिनमें जेप जेप लगा होता है आगे नाम के आगे, वो अक्सर ये बेंजोडायजेपाइन वाली दवाइयां होती हैं। तो जेपाइन का जेप जो है वो अक्सर इन दवाओं में आपको जेप जेप, जोल, जोलैम, ये सब आपको इन दवाओं में अक्सर पढ़ने को मिलेगा ऐसा नाम। तो ये वाली दवाएं जो है ये एंटी एंग्जाइटी वाली कैटेगरी में आ गई, एंटी एंग्जाइटी इफेक्ट्स बेंजोडायजेपाइन्स के। अब हिप्नोटिक इफेक्ट बेंजोडायजेपाइन्स के, मतलब जिससे नींद भी आएगी। इनमें कुछ दवाएं तो एंग्जाइटी वाले इफेक्ट्स वाली ही हैं, मतलब डायाजेपाम, एल्प्राजोलाम, और कुछ अलग दवाइयां हैं जैसे फ्लूराजेपाम, नाइट्राजेपाम, ट्रायाजोलाम, टेमाजेपाम, ये कुछ ऐसी दवाएं हैं जो हिप्नोटिक इफेक्ट लाती हैं, मतलब मेनली ये सुलाने के काम आएंगी। तो डायाजेपाम हो गया, एल्प्राजोलाम हो गया, एल्प्रेक्स जो दवा होती है वो क्या करती है, एंग्जाइटी भी कम करती है, नींद भी लाती है। ज्यादा लोग हैं तो अगेन डिपेंडेंस होगी इनसे दवाओं से, बिना दवा के नींद नहीं आ रही ऐसा अक्सर देखने में आएगा,
उन दवाओं से जिनका हिप्नोटिक इफेक्ट हो रहा है ज्यादा। फिर इसी में जो एंटी कॉन्वुलजेंट कैटेगरी में आती हैं, मतलब जो दौरों में भी काम में आती हैं या जो दौरों में यूज की जाती हैं दवाइयां जो इनका एंजाइटी इफेक्ट भी होता है, हम दोनों को ऐसे ओवरलैपिंग वे में समझ सकते हैं। उनमें आ जाती हैं क्लोनाजेपैम, क्लोबाजैम, डायजेपैम, लोराजेपैम, ये वाली दवाएं आ जाती हैं। तो आप देखेंगे कि डायजेपैम, लोराजेपैम, एल्प्राजोलैम, इनके मल्टीपल इफेक्ट्स हैं, बट कुछ दवाएं हैं जिनके स्पेसिफिक हैं, जैसे फ्लोराजेपैम, नाइट्राजेपैम नींद का काम ज्यादा करेगी, क्लोनाजेपैम, क्लोबाजैम ये एंटी कॉन्वुलजेंट दौरे का बहुत हाइपर एक्टिविटी में उसको कम करने का काम करेंगी। कुछ दवाएं इसमें से शॉर्ट एक्टिंग होती हैं जो 6 से 8 घंटे तक या 10 घंटे तक इफेक्ट लाती हैं, कुछ इसमें से इंटरमीडिएट एक्टिंग होती हैं करीब 15 से 20 घंटे तक उनका इफेक्ट रहता है, कुछ दवाएं ऐसी होती हैं जो लॉन्ग एक्टिंग होती हैं 25-30 घंटे तक भी इनका इफेक्ट रहता है अगर थोड़ा सा भी हाई डोज में लो या ज्यादा डोज में लो। बारबिट्यूरेट्स जो होती हैं वो अक्सर इसी तरह से कैटेगराइज की जाती हैं। तो बारबिट्यूरेट्स में कौन सी आ जाती हैं, फेनोबारबिटोन, बारबिटल, ऐसी दवाओं से इनका नाम होता है, बारबिटल, फेनोबारबिटल, सेकोबारबिटल ऐसे करके नाम होते हैं। तो फेनोबारबिटोन हो गई, थायोपेंटोन, मेथॉक्सिटोन, ब्यूटोबारबिटोन, पेंटोबारबिटोन, ये इस तरीके के इनके नाम होते हैं। कुछ ऐसी हिप्नोटिक दवाएं होती हैं जिनमें बेंजोडाइजेपाइन वाला इफेक्ट नहीं होता, मतलब एंजाइटी का या बहुत ज्यादा एडिक्टिव इफेक्ट नहीं होता, वो कुछ ऐसी दवाएं होती हैं, मतलब नॉन बेंजोडाइजेपाइन हिप्नोटिक्स की कैटेगरीज में आती हैं। नए ड्रग्स हैं ये जो अभी कुछ सालों में इंट्रोड्यूस किए गए हैं या इनका ज्यादा यूज होता है, जिसमें से आ जाती है एक तो जोल्पिडेम जो बहुत कॉमनली यूज की जाती है स्लीप मेडिसिन के तौर पे, जो नॉन एडिक्टिव होती है। फिर आती है जोपिक्लोन और ज़ेलेप्लोन, ये वो दवाएं हैं जो स्पेसिफिकली हिप्नोटिक सेडेटिव के तौर पे यूज की जाती हैं, स्पेसिफिकली नींद लाने के लिए, इंसोम्निया में सबसे ज्यादा यूज की जाती हैं दवाएं। तो आप यहां देखेंगे कि ये जितनी भी एंजाइटी की दवाएं हैं जिनके मैंने कुछ नाम बताए, इन सभी का जो इफेक्ट होता है वो अलग अलग तरह से होता है। कुछ दवाइयां सिर्फ एंजाइटी कम करेंगी, कुछ रिलैक्स करने के साथ साथ मस्कुलर लेवल पर और हमारे एक्टिविटी लेवल पर भी असर डालेंगी जैसे कि सिडेटिव्स, कुछ सिर्फ नींद लाने का काम करेंगी और कुछ एंजाइटी कम करने के साथ साथ नींद लाने का भी काम करेंगी, और कुछ बहुत ज्यादा डेंजरस हो सकती हैं, कुछ मूड को भी कम या ज्यादा करने का काम कर सकती हैं, कुछ दवाएं हैं जो दौरों में भी काम आ जाती हैं। तो अलग अलग तरह से इन दवाओं का यूज है, एनेस्थीसिया के तौर पर भी यूज की जाती हैं। तो डिपेंडिंग ऑन कि इनका सेडेशन कैसा है, कितना ये डीपली हमारे को सुस्त कर देती हैं, शरीर को दिमाग को सुस्त कर देती हैं, उसके हिसाब से इनका यूज किया जाता है। साथ साथ दूसरा जो एक इंपॉर्टेंट इंडिकेटर होता है या एक क्राइटेरिया होता है कब इनको क्यों यूज किया जाए, वो होता है कि लॉन्ग एक्टिंग, शॉर्ट एक्टिंग किस तरह से इनको यूज करना है। तो शॉर्ट एक्टिंग जैसा मैंने बताया 6 से 8 घंटे 10 घंटे तक का इफेक्ट लाएंगी, इंटरमीडिएट एक्टिंग 15-20 या ज्यादा से ज्यादा 22-24 घंटे तक का असर लाएंगी, और लॉन्ग एक्टिंग मतलब 30 घंटे तक भी असर ला सकती हैं। और एक होती है अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग, आधे घंटे से 1 घंटे तक असर ले आएंगी। तो ऐसे कुछ दवाएं हैं ये। अब क्या होता है अगर इनकी डोज बढ़ा दी जाए, जैसा कि देखा जाता है, आप अपनी स्क्रीन पर एक चार्ट देखेंगे या एक ग्राफ देखेंगे जिसके अंदर आप देखेंगे कि कैसे ये जो दवाइयां हैं ये अपने डोज के हिसाब से अपने असर में किस तरह से दिखाई देती हैं, मतलब इंसान को, पर्सन को सुस्त करने में किस तरह से इनका इफेक्ट आता है अगर हम डोज बढ़ाते जाएं। तो सबसे पहले आ जाती हैं सिडेटिव्स, आप ये देख सकते हैं अपने चार्ट पे। सिडेटिव्स का जो मेन काम होता है वो डिस इनहिबिशन वाला जो एंजाइटी है, मतलब हमारे शरीर में जो बहुत ज्यादा उत्तेजना हो रही है सिर्फ उसी को कम करने का काम करती हैं। ओवर एक्टिविटी, एक्साइटेबिलिटी, मूड बहुत ज्यादा एक्टिव हो रहा है, दिमाग बहुत ज्यादा दौड़ रहा है, उसको सिर्फ स्लो डाउन कर देंगी। नींद नहीं आएगी इससे, ज्यादा डोज में भी ले लोगे कई बार नींद नहीं आती, बट इससे हिप्नोटाइज किया जा सकता है किसी पर्सन को, उसको सजेस्टिबिलिटी उसकी बढ़ जाती है। अगर सेडेटिव ज्यादा क्वांटिटी में दे दी जाए तो इंसान सोएगा नहीं, बस ड्राउजी सा रहेगा बहुत ज्यादा, नशे में रहेगा बहुत ज्यादा, और ऐसे में उस पर्सन को, जो कि लाई डिटेक्शन टेस्ट के तौर पे भी यूज किया जा सकता है, उससे सच उगलवाने में इसको यूज किया जा सकता है, और साथ ही साथ उसको कुछ हिप्नोटाइज करने में, सजेशन देने में, उसके माइंड को चेंज करने में, उसके सबकॉन्शियस को प्रोग्राम करने में हेल्प कर सकती है। तो क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन में इनको यूज किया जाता है। तो जैसे जैसे ये बढ़ेंगी सिर्फ ज्यादा से ज्यादा इंसान के शरीर की एक्टिविटी को इस हद तक ही सिर्फ सुस्त कर सकती हैं कि इंसान जो है वो थोड़ा ढीला पड़ जाए। फिर आती हैं हिप्नोटिक वाली दवाएं। हिप्नोटिक वाली दवाएं क्योंकि नींद लाने का काम करती हैं, बहुत ज्यादा डोज में हो जाएगी तो एनेस्थेटिक इफेक्ट ले आएगी, देर तक सुलाए रखेगी बस, इससे ज्यादा इनका और कोई शरीर पर और बहुत ज्यादा कोई असर नहीं पड़ता।
एंग्जाइटी तो डेफिनेटली कम कर ही देंगी है, इंसान ज्यादा सोएगा, दिमाग थोड़ा शांत होगा तो एंग्जाइटी भी कम होगी। पर ये अगर ज्यादा डोज में ली जाएगी तो ज्यादा से ज्यादा क्या है, ये पेन की सेंसिटिविटी कम कर देती हैं। फिर इसके बाद आती हैं बेंजोडाइजेपाइन्स। अब ये बेंजोडाइजेपाइन्स क्या कर रही हैं, एंग्जाइटी कम कर रही हैं, थोड़ा सा इनके साथ लत भी पड़ जाती है, साथ साथ इनसे नींद भी आ रही है। बहुत ज्यादा डोज में लिया जाएगा तो क्या करेंगी, थोड़ा बहुत ये शरीर को नुकसान पहुंचा सकती है, ज्यादा देर तक सुला सकती है, ये भी हो जाएगा, एनेस्थीसिया का इफेक्ट भी हो जाएगा। पर जितना ज्यादा डोज में ली जाएगी इसका कहीं ना कहीं एक स्टेबल इफेक्ट रहेगा, उससे ज्यादा थ्रेटनिंग इफेक्ट इनका नहीं आता। तो यहां तक जो मेडिसिन है बेंजोडाइजेपाइन्स तक, ये तो एंग्जाइटी स्लीप सब में आराम से यूज कर सकते हैं, मेडिकली भी यूज की जा सकती है। पर इसके बाद की जो कैटेगरी है बारबिट्यूरेट्स, वो सबसे खतरनाक है, क्योंकि बारबिट्यूरेट्स लो डोज में होगी ली जाएगी तो एंग्जाइटी या स्लीप का इफेक्ट लाएगी, थोड़ा सा एक्स्ट्रा डोज बढ़ा दो तो ये एनेस्थीसिया का काम करेगी, पेन सेंसिटिविटी कम कर देगी, ज्यादा डोज में लोगे तो इतना ज्यादा सुला देगी कि दिमाग को इतना सुस्त कर देगी कि कोमा में इंसान चला जाएगा, यानी कि बॉडी की बहुत सारी एक्टिविटीज स्लो डाउन कर जाएंगी। और ज्यादा डोज में ली जाएगी तो हार्ट की एक्टिविटी को रोक सकती है, हमारे लिवर किडनी के फंक्शंस को, रेस्पिरेटरी फंक्शंस को रोक सकती है, उस वजह से इंसान मर सकता है। तो ऐसे ये दवाएं जो हैं शरीर को ढीला करने का काम करती हैं, और धीरे 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 जितना ये केमिकल में चेंज आएगा, डोज में चेंज आएगा, उस हिसाब से इंसान सिर्फ सुस्ती से, नींद से, एनेस्थीसिया से, कोमा से मौत की तरफ चला जाता है। बारबिट्यूरेट्स नहीं मिलती हैं मार्केट में, ये जरूर ध्यान रखिएगा। ये जानकारी मैं सिर्फ आपकी इंफॉर्मेशन के लिए दे रहा हूं, इसमें से किसी भी जानकारी का मिसयूज ना किया जाए। इस जानकारी को देने के पीछे का जो मेन मोटिव है वो है कि मिसकंसेप्शंस दूर किए जाएं, मतलब जो नींद की दवाओं से जो मिसकंसेप्शंस हैं उनको भी हटाया जाए और ओवरडोज को कम किया जाए। जो लोग इमोशनल डिस्टर्बेंस फेस कर रहे हैं वो दवाओं का ओवरडोज सेल्फ हार्म के तौर पे ना करें, इस जानकारी का सिर्फ ये मोटिव है। तो ये जानकारी इस हिसाब से नहीं दी जा रही कि आपको कुछ इंडिकेशन मिल रहा है कि किन दवाओं से आप सुसाइड कमिट कर सकते हैं, ऐसा बिल्कुल भी इन जानकारी का इंडिकेशन नहीं है, कोई भी इसका मोटिव नहीं है। ये सिर्फ बताया जा रहा है कि आपको कैसे इफेक्ट किस टाइप की दवाओं से आ सकता है, ज्यादा सोने में और एंग्जाइटी कम करने में कैसे दवाएं हेल्पफुल होती हैं, क्योंकि इस मिसकंसेप्शन की वजह से ही लोग मिसयूज करते हैं अपनी दवाओं का। तो मेरे या किसी क्लिनिशियन या डॉक्टर के ना बताने से जितना इससे खतरा आएगा उतना इसको बताने से खतरे नहीं आएंगे, जबकि लोग इसका समझदारी से दवाओं का यूज कर पाएंगे। यहां तक कि ये फैमिली मेंबर्स के लिए भी इंफॉर्मेशन जरूरी है, क्योंकि वो अगर ऐसी मेडिकेशन घर में रखी हुई है जिनसे बहुत लंबे टाइम तक नींद आ सकती है तो उसका रेगुलेटेड यूज करना है अपने पेशेंट के लिए, ये भी उनको जानकारी रहे, उनको पता रहे। तो जिस भी अच्छे से अच्छे तरीके से इस जानकारी का यूज किया जा सकता है वही इस वीडियो का मेन इंटेंशन है, कि फैमिली मेंबर्स और पेशेंट्स जाने कि किन दवाओं का क्या और कैसा असर आता है और कैसे अच्छे से अच्छा असर लिया जा सकता है एंग्जाइटी और नींद की दवाओं का, जिससे कि अपनी मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ, इमोशनल हेल्थ को बेटर किया जा सके। एंग्जाइटी और नींद के लिए तो इन दवाओं का यूज हो गया, साथ साथ जो एंटी डिप्रेसेंट इफेक्ट्स हैं, डिप्रेसिव फील कर रहे हैं, एग्रेशन फील कर रहे हैं, उनके लिए अलग दवाएं काम करती हैं। कुछ असर इन दवाओं से आ जाएगा पर ज्यादातर जो असर है वो अलग दवाओं से आता है। तो आपस में आप कई सारी मेडिकेशंस कॉम्बिनेशन में ले सकते हैं, आपका डॉक्टर ने आपको जरूर प्रिस्क्राइब किया होगा, जिसमें कि वो अलग अलग सिम्टम्स को अफेक्ट करने के लिए कही जाती हैं। उम्मीद है ये जानकारी आपको पसंद आई होगी, वीडियो लाइक करें अगर आपको इस इन्फॉर्मेशन को सुनकर पसंद आया हो। आपको ये वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो कमेंट करें, कुछ क्वेश्चंस पूछें, अपना कुछ व्यूज शेयर करें, साथ ही साथ आप वीडियो को शेयर करें किसी ऐसे पर्सन से जिसको इस जानकारी की जरूरत हो सकती है। साथ ही साथ आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, ऐसी वीडियोज की लगातार जानकारी लेते रहने के लिए, नोटिफिकेशन लेते रहने के लिए, और ऐसी और जो इन्फॉर्मेशन मैं दे रहा हूँ उससे फायदा लेने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो ही आपको आपकी रिकमेंडेशंस में, आपकी सजेस्टेड वीडियोस में आपको यूट्यूब भी जो है वो अपने एल्गोरिथम के थ्रू बता पाएगा कि ये वीडियोस देख लो आपके काम की हैं। तो यूट्यूब का एल्गोरिथम आपको ज्यादा से ज्यादा हेल्पफुल और यूजफुल चीजें सजेस्ट करे, उसके लिए चैनल सब्सक्राइब करना बहुत हेल्पफुल होगा। वीडियो लाइक करना।